घर में घुसकर हमला करने पर तीन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम मड़ीदेवड़ा में 6 सितंबर की रात चोरी करने की नियत से आए बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से चोट हवाई फायर करने के मामले में अभिलाष पटेरिया की रिपोर्ट पर थाना बक्सवा में विभिन्न धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस अधीक्षक अगमचंद ने अपराध का खुलासा करने और आरोपियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए 3,000 रुपये का इनाम घोषित कर टीम गठित की थी। पुलिस टीम ने विवेचना के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर संदेहियों से साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की। आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया, जिससे वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सुनील लोधी पुत्र हरिराम लोधी, हरिश्चंद उर्फ बाबा लोधी पुत्र हरदेव लोधी निवासी ग्राम मड़देवरा थाना बक्सवाहा और तुलसी लोधी पुत्र धाधु लोधी निवासी ग्राम बमनोरा को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त 315 बोर का कट्टा और कट्टर आरोपियों से जब्त किया गया। बक्सवा थाना क्षेत्र के मड़देवरा गांव में दिनांक 6 सितंबर को सुबह फरियादी वहां के अभिलाष पटेरिया नाम के व्यक्ति ने थाने में आकर रिपोर्ट करी थी कि पिछली रात को उनके घर में, चूँकि उनके दो घर हैं, उन्होंने बताया था कि उनके एक घर में कुछ अज्ञात व्यक्ति घुस आए थे। इसमें जब इन्हें खबर लगी या इनको जब खटपट की आवाज़ आई, जब ये अभिलाष पटेरिया जो की फरियादी है, ये जब वहाँ पर पहुँचे तो ये जो अज्ञात चोर थे, इन्होंने इनको देखते हुए इनको सर पर वार करते हुए वहाँ से ये भाग निकले थे। और इसमें इनके द्वारा बताया गया था कि एक हवा में एक इन्होंने कट्टे से फायर भी किया था। ये प्रकरण पूरा अज्ञात था, पूरा ब्लाइंड था। इसमें पुलिस के पास में कोई खबर नहीं थी कुछ भी। इनके हुलिया वगैरह भी, चूँकि रात का था तो हुलिया वगैरह भी फरियादी को उतना पता नहीं था। काफ़ी चैलेंजिंग था। इसमें पुलिस ने जो बक्सवा थाने की टीम ने और नैनागिरी चौकी प्रभारी और TI साहब ने जो इसमें काफ़ी एक महीने से इसमें प्रयास में लगे रहे और साइबर की और बाकी चीज़ों की मदद लेते हुए मुखबिरी से फिर हम लोगों ने इसमें तीन लड़कों को पकड़ा है। ये तीन लड़के जो कि दो इसमें उसी गांव मड़देवरा की रहने वाले हैं और एक बमनोरा क्षेत्र का रहने वाला है। इन तीनों के द्वारा जब हमने सख्ती से पूछताछ करी तो इन्होंने ये उस दिन ये घटना जो है कारित करने स्वीकार किया है। इनको आज गिरफ्तार करके, विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। तीनों लड़कों के नाम क्या है? एक का नाम बाबा उर्फ हरिश्चंद्र लोधी है, एक सुनील लोधी है जो कि दोनों हरिश्चंद्र लोधी, और एक दूसरा जो है वो सुनील लोधी है। ये दोनों मड़देवरा गांव के रहने वाले हैं और एक बाबा का जो मामा लगता है तुलसी लोधी, वो बमनोरा क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पास से क्या क्या सामान जब्त किया? एक जब ये चोरी की नियत से घुसे थे तो एक कटर लिए हुए थे, तो वो कटर भी हमने जब्त किया है। और इन्होंने भागते हुए हवा में फायर भी किया था, तो वो एक 315 बोर का एक कट्टा भी जब्त हुआ है। इसमें चूँकि मेडिकल रिपोर्ट आ गई हमारे पास में, इसमें हम मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इसमें 109 BNS की धारा का भी इजाफा कर रहे हैं। और चूंकि हमने इसमें कट्टा भी जब्त किया है तो 25-27 आम सेक्ट भी इसमें बढ़ाई गई है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंक रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।